सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सनी और मैं हूं मोहम्मद अहसन। अब आप हमारी बुलेटिन यूट्यूब पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। सबसे पहले बात करेंगे औरत मार्च की। औरत मार्च आज होगा, तमाम छोटे बड़े शहरों में तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। औरतों के मसाइल के हल और महरूमियों के अजाले की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए मार्च का इनेकाद किया जा रहा है। औरत को विरासत में हिस्सा न मिलना, शादी से इनकार पर कत्ल और तहजाब गर्दी, खुला के हक का इस्तेमाल मुश्किल तर होना, तालीम हर बच्ची का हक है मगर उसका ना मिलना, दफातर फैक्ट्रियों और भट्टों, घरों और सड़कों पर काम करने वाली खवातीन हर रोज मसाइल से उलझती हैं, हर रोज घरेलू तशद्दुद सहती हैं मगर बोल नहीं पाती कि हजार मजबूरियां दामनगीर हैं। गैरत के नाम पर कत्ल और ज्यादती के बढ़ते हुए वाकयात, ये है पाकिस्तानी औरत के असल मसाइल। औरत मार्च का मकसद उन्ही मसाइल को उजागर करना है मगर याद रखने की बात यह है, माशर्ती रवैयों में तब्दीली टकराव से नहीं आगाही से आती है। आइए हम सब मिलकर औरत मार्च को आगही और फिक्र नौ का इस्तेआरा बनाएं। इस्लामाबाद में औरत मार्च के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस हवाले से खवातीन और तलबा की जानिब से बैनर्स भी तैयार किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा सबा बजीर औरत मार्च के मुंतजिम के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी सबा। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह इस्लामाबाद की खवातीन भी 8 मार्च के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। इस वक्त में विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट और औरत आज़ादी मार्च के ऑर्गेनाइज़र इसमत शाहजहाँ के घर पर मौजूद और मेरे साथ मैम भी मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या कहेंगी औरत आज़ादी मार्च के हवाले से। मैम क्या कहें? मैं तो इतना कहूँगी, नौजवान तैयार हैं और वो तब्दीली चाहते हैं, हकीकी तब्दीली, निज़ाम में तब्दीली। वो तब्दीली नहीं जो पीटीआई की गवर्नमेंट लेकर के आई है। हम तो कह रहे हैं अमन करो, तालीम हो, इलाज हो, मसावात हो और लोग मोहब्बत और अमन से रहें। हमारा पैगाम तो यही है। आप दिखाएं इनको, ये सब रजाकार हैं और ये स्टूडेंट्स हैं और अभी यहाँ से 20-25 लोग गए हैं और इसमें कोई ख़ास पैसे भी इन्वॉल्व नहीं है। एक तलबा भी बैठे हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे आप कल जो आज़ादी मार्च हो रहा है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से? हम ये कहना चाहेंगे कि हम इस मार्च को फुली सपोर्ट करते हैं और कल हम अपनी सपोर्ट दिखाएंगे उस मार्च में और फुल तादाद में आएंगे। औरतों का जो आलमी दिन है बहुत ज्यादा जोश और खरोश से इस्लामाबाद में। ठीक है सबा बजीर, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मर्दों और औरतों को लड़ाने वाले इंसानियत को तबाह करना चाहते हैं। ऐसा मुल्क चाहते हैं जहाँ खवातीन की इज्जत और मुस्तकबिल महफूज हो। वो कराची में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम खवातीन कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। तहजीब की अलमबरदार खानदानी सिस्टम को, इंसान को तनहा करना चाहते हैं। कुरान का फैसला यही है कि हुन्ना लिबासुल लकुम, ये औरत तुम्हारे लिए लिबास है, वो अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और आप औरतों के लिए लिबास है। इसलिए मर्द मर्द को और औरतों को अगर कोई एहतराम है तो उस दीनी फितरत में है जिसका नाम इस्लाम है। औरत आज़ादी मार्च के हवाले से लब महरान से सखर बराज तक मुश्तल बरादर रैली निकाली गई। मुश्तल बरादर रैली में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कराची, हैदराबाद, खैरपुर, शिकारपुर और दीगर अजला की तंजीमों के वफूद रैली में शरीक हुए। ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि मुश्तल बरादर रैली का मकसद खवातीन को कारी करने के खिलाफ आवाज़ उठाना है क्योंकि उन्हें मारकर दरियाए सिंध में फेंकने की पुरानी रिवायत है। इसी वजह से यहाँ रैली निकाली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं औरत आज़ादी मार्च के हवाले से लब मेहरान से सखर बैराज तक मुश्तल बरादर रैली निकाली गई। मुश्तल बरादर रैली में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कराची, हैदराबाद, खैरपुर, शिकारपुर और दीगर अजला की तंजीमों के वफूद रैली में शरीक हुए जबकि ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि मुश्तल बरादरी रैली का मकसद खवातीन कारी के खिलाफ आवाज़ उठाना है क्योंकि उन्हें मारकर दरियाए सिंध में फेंकने की पुरानी रिवायत है। इसी वजह से यहाँ रैली निकाली गई है। मनाजिर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। औरत आज़ादी मार्च के हवाले से लब मेहरान से सखर बैराज तक मशल बरादर रैली निकाली गई है। मशल बरादर रैली में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची के रिजविया सोसाइटी थाने के हदूद गोलीमार में दो रोज कबल मुनहदिम होने वाली रिहायशी इमारतों के मलबे से मजीद तीन अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 20 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची के रिजविया सोसाइटी थाने की हदूद गोलीमार में दो रोज कबल मुनहदिम होने वाली रिहायशी इमारत के मलबे से मजीद तीन अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 20 हो गई है। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। समर अब्बास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, देखें जो रिजविया गोलीमार में मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला आज भी जारी रहा। तीन लाशें निकाली गई, आपसे कुछ देर कबल एक शख्स की लाश निकाली है। रेस्क्यू अहलकारों का कहना है कि इसकी शिनाख्त 60 साला मोहम्मद अली वल्द कादर बख्श के नाम से हुई है। यूं ये लाशों की तादाद जो है वो 20 हो गई है, जबकि रेस्क्यू का काम भी जारी है। जबकि इससे कबल आमिर नयाब और तारिक अली की लाशें निकाली गई थी और इलाका मकीनों ने एहतजाज भी किया, तहम रेस्क्यू अहलकार जो है वो रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। मजीद भी मलबे तले जो है मुतअद्दिद अफराद के दबे होने का खदशा है। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट करेंगे आपको, पीआईए के सीनियर स्टाफ अफसरान की एसोसिएशन सासा के फंड्स में मुबैना करप्शन के केस में एफआईए ने सासा के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पीआईए के सीनियर स्टाफ अफसरान की एसोसिएशन सासा के फंड्स में मुबैना करप्शन के केस में एफआईए ने सासा के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। सईद अहमद से मजीद तफसीलात जानते हैं। सईद अहमद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो सीनियर स्टाफ अफसरान की एसोसिएशन सासा के फंड में मुबैना करप्शन का मामला है, जिसके ऊपर एफआईए ने सासा के अकाउंट हैं वो मुजमद कर दिए हैं और एफआईए की कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की जानब से नेशनल बैंक को सासा के बैंक अकाउंट मुजमद करने के बाद से एक खत था वो लिखा गया था और खत की कॉपी जो है वो 24 न्यूज ने है वो हासिल कर ली है। और कॉपी के मुताबिक सासा के सदर अकील सिद्दीकी और सेक्रेटरी जनरल सफदर अंजम ने जो है वो एसोसिएशन के फंड में करप्शन है वो की थी, जिसके ऊपर एसोसिएशन का कोई भी ओहदेदार इंसान कमल होने तक जो सासा के फंड इस्तेमाल है वो नहीं कर सकेगा, जिसके हवाले से एक मुरासला है वो जारी किया गया है। और इस हिसाब से ये भी कहा गया है कि सीनियर स्टाफ अफसरान की एसोसिएशन को मिलने वाले फंड्स में जो गलत इस्तेमाल की वहाँ पे उस हवाले से जो इंकशाफ है वो हुआ था, जिसके ऊपर ठीक है। सईद अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद से खबर है, जहां पर मुहाफिज जो हैं अवाम के दुश्मन बन गए। सेक्टर I-8 में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाला डाकू पुलिस एहलकार निकला। मुलजिम अशरफ ड्यूटी के बाद डकैती की वारदातें करता था। वाकये में जख्मी दो राहगीर भी चल बसे हैं। इस वाकये का मजीद अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल विर्क से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 में मौजूद हूं, जहां पर एक दिन को जो है एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक शख्स जो है वो एटीएम में दाखिल हुआ और उसके पीछे जो है कुछ उसका ताकुब करते हुए डाकू भी दाखिल हो गए। शख्स के मुजाहमत करने पर जो है शोर शराबा करने पर करीब ही मोबाइल यूनिट जो है पुलिस मोबाइल यूनिट खड़ी हुई थी उन तक जो है इतला पहुँच गई। उन्होंने जो है डाकुओं का ताकुब शुरू कर दिया। डाकू जो है वो मोटरसाइकिल पर सवार थे और मोटरसाइकिल छोड़कर जो है भागने की उन्होंने कोशिश की। फायरिंग के नतीजे में दो शिफा अस्पताल के मुलाजिम जो है मौके पर ही जाम बहक हो गए, जबकि डाकू जो है वो भी मौके पर ही जाम बहक हो गया। जो डाकू है वो बाद में मालूम पता चला कि वो जो है CTF काउंटर टेररिज्म फोर्स का एहलकार है, जो कुछ ही हाल ही में जो है कुछ अरसा कबल जो है वो CTF फोर्स में भर्ती हुआ था और वो ड्यूटी के बाद जो है वो वारदातें करते थे। DIG वकारुद्दीन सैयद ने अब से कुछ देर कबल जो है वो नोटिस ले लिया है और उन्होंने इंक्वायरी तलब कर ली है। जी वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा की कोहसार मार्केट में बैठने से नाला है। अब इस मार्केट में कौन कौन से वज़रा बैठते हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे अवैस कयानी से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कोसार मार्केट में मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अपना एक अलग ही मकाम रखती है, क्योंकि यहाँ ये वही जो मार्केट है, पोश इलाका है, जहाँ पर गवर्नर पंजाब का भी यहाँ पर ही मर्डर हुआ था। और उसके बाद अब इस हवाले से ये ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है कि अब इसका जो नाम है कोसार मार्केट का, वो वज़ीर आज़म ऑफिस में भी जो है उसका जिक्र होता है। जो वज़रा हैं खुसूसन जिनमें नाम आता है फैसल वाडा का, फवाद चौधरी का, मुराद सईद अली जैदी और बहुत से ऐसे वज़रा हैं जो कि अमूमन यहाँ पर आना पसंद करते हैं। इस वक्त हमारे साथ सगीर चौहान साहब ब्यूरो चीफ भी मौजूद हैं। वज़रा जो हैं यहाँ पर बैठना पसंद करते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
सिक्योर इलाका है, रेड जोन में है। और एक दूसरी यहाँ पे फॉरनर्स भी आते हैं, मखसूस क्लास भी आती है, और यहाँ पर कुछ मशहूर फूड चेन्स हैं, खाने पीने की अशिया यहाँ पर मिल जाती हैं। एक देखें आपके ओपन माहौल है, शाम को बड़ा पुरसकून माहौल है। पीएम की तरफ से भी इसका नाम लेने के बाद अब हर कोई जो है वो कोसार मार्केट का ही जिक्र कर रहा है। वैसे बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली के इलाके शिव विहार में मुसलमान खातून अपना तबाहशुदा घर देखकर चीखे मार मार कर रोने लगी। मुस्लिम खातून के घर को आरएसएस और बीजेपी के हिंदुत्वला हुजूम ने तबाह कर दिया था। आपको बताएं कि दिल्ली के इलाके शिव विहार में मुसलमान खातून अपना तबाहशुदा घर देखकर चीखे मार मार कर रोने लगी। मुस्लिम खातून के घर को आरएसएस और बीजेपी के हिंदुत्वला हुजूम ने तबाह कर दिया था, जिसे देखकर खातून चीखे मार मार कर रोने लगी। इधर मेरे जिस अटैची ने पैसा रखे थे अटैची चली गई, जल गई, पता नहीं चल रहा राग तो पड़ी है या मेरा बेग था। इतना मेरा दुश्मन था उसने, मेरे पैसे रखे थे जुड़े हुए बैग में। इधर मेरे जिस अटैची ने पैसा रखे थे अटैची चली गई, जल गई, पता नहीं चल रहा राग तो पड़ी है या मेरा बेग था। इतना मेरा दुश्मन था उसने, ईरान के मारूफ मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह नूर हमदानी ने भारत में मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम की मुजम्मत कर दी। अपने एक बयान में उनका कहना था कि भारत में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम इंतहाई दुख का बायस हैं। आलमी बरादरी और इंसानी हकूक की तंजीमों की जानिब से इस पर खामोशी बहुत गलत रवैया है, जिसे तर्क करने की ज़रूरत है। ईरान के मारूफ मजहबी रहनुमा आयतुल्ला नूर हमदानी ने भारत में मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम की मजम्मत कर दी। अपने एक बयान में उनका कहना था भारत में मुसलमान इंतहाई दुख का बायस हैं। आलमी बरादरी और इंसानी हकूक की तंजीमों की जानिब से उन पर खामोशी बहुत गलत रवैया है, जिसे तर्क करने की ज़रूरत है। सवात की पहली स्नो मैराथन में मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने शिरकत की। 21 किलोमीटर कैटेगरी सुहेल आमिर ने जीत ली। गैर मुल्की खातून समेत 3 खवातीन एथलीट भी शरीक हुईं। सवात में पहली स्नो मैराथन हुई, जहां 3 कैटेगरीज की रेस में 115 खिलाड़ियों ने शिरकत की। 21 किलोमीटर की रेस सुहेल आमिर, 10 किलोमीटर मोहिबुल्ला, 5 किलोमीटर मैराथन मोहम्मद रहीम ने जीती। फातेह खिलाड़ियों को नकद इनामात, मेडल्स और सर्टिफिकेट्स दिए गए। इवेंट में गैर मुल्की खातून खिलाड़ी समेत 3 खवातीन भी शरीक हुईं। मैजिक माउंटेन एडवेंचर पार्क कॉरपोरेशन खैबर पख्तूनख्वा में विंटर स्पोर्ट्स के फरोग के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुल्तान में आर्ट्स काउंसिल ड्रामा फेस्टिवल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले फनकारों के एजाज में तकरीब सजाई गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी समेत फनकार बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर है स्टारलेट थिएटर के, जहां ड्रामा फेस्टिवल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले फनकारों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी, सदर अंजुमन ताजरान अकबर रोड इदरीस भट, प्रोड्यूसर चौधरी रियाज समेत फनकार बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीबन 1160 जो कम आमदनी। तकरीब में मारूफ अदाकार सैफ बूटा, सजाद शोकी, फहद आवान, दुआ चौधरी, राहिला मलिक और शेर आवान को इनामात से नवाजा गया। शायकीन को महजूज करने के लिए फनकारों ने चुटकुलों और रक्स ने समा बांध। तकरीब के इख्तिताम पर फनकारों की दस्तार बंदी भी कराई गई। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। वज़ीरे आज़म इमरान खान शहरे कायद की तरक्की की बातें तो खूब करते हैं, लेकिन मंसूबों का इफ्तिताह करने कराची ना पहुंच सके। इस्लामाबाद से परवाजें कराची पहुंचती रहीं, लेकिन वज़ीरे आज़म इमरान खान मौसम की खराबी का बहाना बनाकर कराची ना पहुंचे। कराची के बासी वजीर आजम की राहें तकते रह गए। वजीर आजम ने हफ्ते को दिन 12 बजे प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करने कराची आना था, लेकिन अचानक दौरा मनसूख कर दिया गया। इस्लामाबाद से मुतअद्दिद परवाजें कराची पहुंचती रहीं, लेकिन वजीर आजम इमरान खान मौसम की खराबी का बहाना बनाकर कराची ना पहुंचे। वजीर आजम ने गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब से रिकॉर्डेड वीडियो खिताब करके कराची वालों को अपने होने का एहसास जरूर दिलाया। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खात्मे की यकीन दहानी करने वालों का नाम बताने की धमकी दी तो काफ लीग मैदान में आ गई।
चौधरी शुजात ने फोन करके मौलाना फजलुर रहमान को समझाया कि इस वक्त नया कट्टा ना खोलें। मौलाना ने कुछ रोज पहले धमकी दी कि आजादी मार्च से मुजाकरात करने वाले कोई और लोग थे, काफ लीग सामने थी। जिन्होंने हमसे मुआहदा किया है, मैं आज उनको कहना चाहता हूँ कि वो अपने लफ्ज की पास रखें, वरना फिर हम चंद अरसे के बाद इसको भी वाशगाफ कर देंगे। सूरत हाल को बरहम करना और दरहम बरहम करना नहीं आता, सब कुछ हमें आता है। इस पर काफ लीग मुतहरिक हो गई और मौलाना फजलुर रहमान को नया कट्टा ना खोलने का मशवरा दिया। मुस्लिम लीग काफ के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन ने मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता किया और मौलाना फजलुर रहमान को समझाया कि मुल्क मुश्किलात में घिरा है, इस वक्त नए कट्टे नहीं खोलने चाहिए, इस वक्त रहनुमाई की जरूरत है, सबको मिलकर मुल्क के मसाइल हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अब चौधरी शुजात ने नया कट्टा ना खोलने का मशवरा दिया है। ये मुहावरा आमतौर पर नए मसाइल पैदा करने के जमन में इस्तेमाल होता है। पंजाबी लुगत के मुताबिक नवा कट्टा खोलना से मुराद है नया रहबड़ डालना या नई लड़ाई शुरू करना। जब हम कहते हैं कि कट्टा खुलना, मतलब कि नया मसला खड़ा हो गया, तो एक लतीफा भी याद आ गया इसी वाले से मुझे। एक देहाती को किसी ने कहा कि जिंदगी क्या है, जरा इसकी तारीफ कर दें। वो बड़ा मसाइल का मारा हुआ था, परेशान हाल था। उसने कहा जिंदगी जो है ये कट्टा है, एक बंदा तो दूसरा खुल जाता है। नया कट्टा खुलेगा या नहीं, लेकिन मौलाना की धमकी कारगर रही और अब उनसे दोबारा रابطे शुरू हो गए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौन सा कट्टा है जो खुलने जा रहा है, कौन से नाम हैं जो मौलाना सामने लाने की धमकी दे रहे हैं, क्या वाकई मौलाना को किसी बासर शख्सियत ने यकीन दहानी कराई, आखिर हुकूमत की रुखसती की यकीन दहानी कौन करा सकता है, चौधरी शुजात आखिर कौन से कट्टे को बचाना चाहते हैं। साबिक सदर अलखिदमत फाउंडेशन और साबिक मेयर कराची नेमतुल्ला खान की याद में लाहौर में दी पंजाब स्कूल में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। तकरीम सदर अलखिदमत फाउंडेशन मोहम्मद अब्दुल शकूर, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, हारून रशीद, सजाद मीर और जुनैद सलीम ने शिरकत की। इस मौके पर मरहूम को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। मोहम्मद अब्दुल शकूर का कहना था कि नेमतुल्ला खान दुखी इंसानियत की खिदमत का इस्तारा हैं। अमीरुल अजीम ने कहा कि उन्होंने सारी जिंदगी सताइश और सिले की परवाह किए बगैर खुद को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ किए रखा। सीनियर सहाफी मुजीबुर रहमान शामी ने भी नेमतुल्ला की इंसानियत के लिए खिदमत को सराहा। पाकिस्तान में तायुनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर का कहना है कि दुनिया पाकिस्तान के बारे में गलत ख्यालात रखती है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हो चुकी है। पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए माहौल बेहतर बना रहे हैं, अगला कदम सीपैक में सरमायाकारी करना होगा। वो मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। Showing by my act, but I do agree with Prime Minister Imran Khan that I think many perceptions of the country are misplaced, and that is why in the things that I control, issues like our travel advice, I think I have a responsibility to be clear in the advice I am offering. I am also making no apologies for being active in the country, for travelling around, for visiting everything that it has to offer, and showing by my actions that I think there is much more we can do. So look, on immigration, there are two points. The Prime Minister Boris Johnson has announced a broader points-based approach to our migration system, and details of that will be released by the Home Office with a full consultation. For the existing contact between the two countries, we have about 400,000 visitors from the UK to Pakistan a year. मीडिया में खवातीन की खिदमात के हवाले से निजी तहकीकाती इदारे की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रही हैं समीन नवाज। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर सहाफत से जुड़े निजी तहकीकाती इदारे अक्स की जानिब से सहाफत में खवातीन के किरदार पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें माजी की सीनियर खवातीन सहाफियों को मदु किया गया। जो खवातीन हमारे इस मीडिया में अब जो बच्चे आई हैं उनके लिए आप कह लें कि रोल मॉडल रही हैं, और जिस तरह से उन्होंने काम किया 60s में जब ख्वातीन कहीं पे भी मीडिया में नहीं थी, तो उनसे एक तरह का आप कह लें कि तारुफ करवाना, ये बताना कि काम किस तरह से उन्होंने किया उस वक्त, और ये कि मुश्किलात उस वक्त भी थी मगर वो मुश्किलात पे हावी हुई और मुश्किलात को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया उन्होंने। तकरीब में शरीक खवातीन ने मीडिया में खवातीन के किरदार और इससे जुड़े मसाइल को भी उजागर किया। खवातीन को सबसे पहले ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि जो वो कर रही हैं या जो वो लिख रही हैं या वो जो कह रही हैं, वो उसका असर
دیکھنے والی لڑکیوں کے اور عورتوں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تقریب کے منتظم کا کہنا تھا کہ یہ سینئر خواتین ہمارے ملک اور صحافت کا سرمایہ ہیں۔ کیمرامین عبد الواحد کے ہمراہ سمین نواز، 24 نیوز، کراچی۔ تیونس میں انٹرنیشنل جربہ ایئر شو اور ڈیفنس نمائش منعقد کی گئی، جس میں بین الاقوامی اسلحہ ساز کمپنیوں نے سٹالز لگائے، تاہم پاکستانی اسلحہ ساز گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشن کمپنی کا سٹال توجہ کا مرکز بنا رہا۔ ایئر شو میں تیونس، سعودی اور ترک فضائیہ کے ماہر پائلٹس نے حیرت انگیز کرتب دکھائے۔ نمائش کا حصہ بننے والی کمپنی کے سی ای او کا کہنا تھا، گزشتہ برسوں میں پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری نے بہت ترقی کی اور پاکستانی مصنوعات کو دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔